दोस्तों, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जेवर इलाके में बनने जा रहे देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। दरअसल निर्माण की कड़ी में अगस्त महीने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस बीच माना जा रहा है कि 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रस्तावित हो सकता है। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार की इकाई NIAL के साथ एक शेयर धारक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के एक बयान के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सिंह और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। नोएडा एयरपोर्ट बनाने की दिशा में योगी सरकार एक के बाद एक जरूरी कदम उठाती जा रही है और अब इसी के तहत ये समझौता भी हो गया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी है और इसका गठन जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए किया गया है, जो दिल्ली के मुख्य क्षेत्र से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बनने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण और संचालन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करेगा। आइए हम यहाँ पर बताते हैं इस एयरपोर्ट की खूबियाँ, जो विश्व स्तरीय होंगी। इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। इसका खाका तैयार है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। दरअसल हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली से होते हुए नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी तक पहुंचेगी। हाई स्पीड रेल की कुल लंबाई 816 किलोमीटर है, जो औसतन करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दिल्ली से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन का ठहराव नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास करने के लिए स्टेशन बनेगा। नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाए जाने का प्रस्ताव फाइनल हो चुका है। ये देश की पहली पॉड टैक्सी होगी। अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट तक पहुंच बढ़ाने के लिए पॉड टैक्सी चलेगी। ये 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है, जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। बताया जा रहा है कि पॉड टैक्सी मेट्रो के मुकाबले ज्यादा किफायती है। फिल्म सिटी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलने वाली पॉड टैक्सी का ये कॉरिडोर सेक्टर्स को भी जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 14.6 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 862 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो मेट्रो ट्रेन के मुकाबले कम खर्चीला है। वर्ष 2022-23 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है और इसके जरिए 50 लाख यात्री हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 8 रनवे के साथ जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हालांकि पहले फेज में 2 रनवे का ही निर्माण होगा। 2022-23 से एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की शुरुआत का लक्ष्य है। संबंधित अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 8 रनवेज होंगे। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट की शुरुआत 2 रनवेज से होगी। इसके बाद जरूरत के हिसाब से यात्रियों की संख्या में इजाफा होने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर रनवेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि शुरुआत में 1.2 करोड़ सालाना यात्री जेवर एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का उपयोग करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होने के साथ ही गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलने जा रही है। इस एयरपोर्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान जताया गया है। ये एयरपोर्ट न केवल हवाई सफर प्रदान करेगा, बल्कि इसके आसपास विकास की रफ्तार भी तेज होगी। इस एयरपोर्ट के नजदीक एरो सिटी विकसित करने की योजना है। इसमें मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, पब्स, कन्वेंशन सेंटर और मंडी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
जाहिर तौर पर इससे किसानों की फसल भी विश्व मार्केट तक पहुंचेगी। इससे सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले के लोगों को ही नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत कई जिलों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत एलिवेटेड रोड से दोनों एयरपोर्ट्स को जोड़ने की योजना है। एयरपोर्ट के बिड तैयार करने वाली एजेंसी प्राइस वाटर हाउस कूपर की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR समेत उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान से एयरपोर्ट को यात्री मिलेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद ये दिल्ली NCR में तीसरा हवाई अड्डा होगा। इससे जुड़े अधिकारियों के अनुसार हवाई अड्डे के पहले चरण में 4,588 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली से सटे इस हवाई अड्डे के कुछ स्पष्ट लाभ हैं, क्योंकि यह आगरा से सिर्फ 130 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 72 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से 28 किलोमीटर और नोएडा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल खर्च 29,560 करोड़ रुपए आंका गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो ये 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। संक्षिप्त में अगर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो पहले चरण में रनवे की संख्या 2 होगी। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण 1,334 हेक्टेयर हो चुका है। किसानों को वितरित होने वाला मुआवजा 2,850 करोड़ रुपए है। एयरपोर्ट से विस्थापित परिवारों की संख्या 3,627 है। एयरपोर्ट का प्रस्ताव 2007 में तैयार हुआ था। 2017 में इसे सैद्धांतिक सहमति मिली थी। इस हवाई अड्डे से 2022-23 से उड़ानें शुरू होंगी। वहीं यहां पर दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें तो यमुना प्राधिकरण के CEO अरुण वीर सिंह के मुताबिक दिल्ली के पालम में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आगमन का रास्ता एयरपोर्ट की पहली मंजिल पर है, जबकि प्रस्थान का रास्ता भूतल पर है। दो रास्ते होने की वजह से यात्रियों को आवागमन में अधिक समय लगता है, उन्हें काफी चलना पड़ता है। इसे दूर करने के लिए विकासकर्ता कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ही द्वार बना रही है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।